अब देखते हैं अपना अगला चैप्टर, वो है हार्डनेस एंड टॉलरेंस। तो इसमें जो प्लांट्स हैं यानी कि किसके प्रति हार्डनेस या टॉलरेंस है, तो उसमें तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि देखो हमने क्लाइमेटिक इफेक्ट, टोपोग्राफिक और बायोटिक फैक्टर पढ़ लिया है, लेकिन उनकी जो फैक्टर्स के जो एक्सट्रीम है उन चीज़ों को यहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि टेम्परेचर है वहाँ पर पढ़ लिया, नॉर्मल चीज़ थी, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो बहुत हाई है या बहुत लो है, या बहुत ज़्यादा वाटर है या बहुत कम वाटर है, या बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है कम सैलिनिटी है, तो इसमें प्लांट ने ऐसी क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है या किस टाइप से वो उसने अपने आप को एडजस्ट किया कि वो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर पा रहा है, उन चीज़ों को हम यहाँ पढ़ेंगे। इसको आगे पढ़ने से पहले हमें दो बेसिक टर्म आते हैं, एक होता है हार्डनेस एंड टॉलरेंस। तो ये दो टर्म का सेंस पता होना चाहिए। तो पहला है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या है कि जैसे कि एक नॉर्मल प्लांट होता है, जैसे कि आप हो, आपका एक एवरेज जो है कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में रह सकते हो, आपकी जो बॉडी है वो उस टाइप से स्वेटिंग करके या शिवरिंग करके कप कपी छोड़ करके वो आपको एक मेंटेन कर लेती है। तो ये आपकी एक नाइप से एक आपकी एबिलिटी है कि आप उसमें इजीली सरवाइव कर लेते हो। लेकिन अगर आपको ये टेम्परेचर 40 की जगह करके कर दिया जाए 60 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या करोगे, सर्वाइव कर पाओगे? नहीं। तो ऐसे केस में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म डेवलप करेगी जिससे आप एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाओ। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं टॉलरेंस, जिसमें टॉलरेंस कम है, कोई ना कोई मैकेनिज्म जरूर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक मुद्दा आता है अपना हार्डनिंग ऑफ। हार्डनिंग ऑफ क्या है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीधे सीधे ICAR में भी आया है और रिटन में भी, UPSC में इस बार आया था रिटन में। हार्डनिंग ऑफ को बिल्कुल इस लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में देखेंगे स्लाइड के। अभी हम सबसे पहले तो वो एक्सट्रीम कंडीशन पे देखते हैं, और उन एक्सट्रीम कंडीशन में पहली थी मॉइस्चर। आप देखो मॉइस्चर के साथ दो कंडीशन है, या तो ये मॉइस्चर बहुत एक्सट्रीम हो सकती है मतलब फ्लड हो सकता है, या बहुत कम हो गई, कम मतलब ड्राउट। यहाँ पर हम पहले पकड़ेंगे ड्राउट को। अब ड्राउट कंडीशन को देख लिया जाए, ड्राउट मतलब क्या है, सूखा पड़ गया। आपने देखा होगा सूखे के टाइम पे यहाँ पर जो वेजिटेशन है ये कौन सी है, एक तो है ओपनसिया, ओपनसिया, और दूसरी यहाँ पर एक वेजिटेशन होती है कैक्टस। इन दोनों को याद रख लेना, ये 4-5 जगह ऐसी स्पेस है जहाँ पर इन्हें कोट किया जाता है। इसके साथ साथ ये ड्राउट समझ गए, यहाँ के जो प्लांट्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम, जीरोफाइट। अब आपको कैसे याद रहेगा, देखो यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, वाटर तो वैसे भी यहाँ पर जीरो है, तो ऐसे प्लांट मीन्स फाइट जो जीरो वाटर में उगते हैं उन्हें बोलते हैं हम जीरोफाइट। जीरोफाइट अगर आपको याद हो गया तो मैं आपको एक सिंपल सी एक तीन टर्म और हैं जिन्हें हम अगले चैप्टर में सक्सेशन में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जस्ट एक न्यूमेरिकल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये कोई कॉन्टिनेंट है, ये उसके पास ये ओशियन वाला रीजन है, या कोई वाटर बॉडी है, सपोज तालाब है, तो तालाब है यहाँ पर जो पेड़ उगरा होते हैं पानी में या पानी के आसपास, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट। फाइट्स, हाइड्रो मीन्स पानी, पानी में उगने वाले पेड़ों को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट। जो नॉर्मल सॉयल है, नॉर्मल कंडीशन है, उसमें जो उगने वाले हैं उन्हें बोलते हैं मीजोफाइट, यानी कि मिड में मीजोफाइट। और ये वो जो डेजर्टिक कंडीशन है, एरिड कंडीशन है, जहाँ फेवरेबल नहीं है, वो उन्हें उगते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, जीरोफाइट। ओके, तो ये तीन मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, इन्हें आगे ही पढ़े लेकिन इनको टर्म याद रहना चाहिए, और जीरोफाइट तो आपको याद ही होना चाहिए, कम से कम कई बार पूछा गया है, कॉमन से टर्म है। अब यहाँ पर ड्राउट की बात की जाए तो मुद्दा यह है कि ड्राउट यानी कि वाटर का लॉस, अब यानी कि वाटर की कमी। अब ये वाटर की कमी को प्लांट कैसे अडाप्ट करते हैं या कैसे करते हैं, तो यहाँ पर जैसे एक सिंपल इंसान का बोला जाए कि लॉकडाउन में उसके पास पैसा कम हो गया तो वो क्या किया जाए, तो एक तो ये है कि कुछ भी हो जाए वो बहुत ही गहराई से पैसा खोद के ले आएगा, दूसरा उसके पास जो पैसा है उसको वो धीरे धीरे खर्च करेगा, या तीसरा वाला है वो उसे इकट्ठा करके गाड़ के रख लेगा। तो प्लांट भी वैसे ही करते हैं कि एक तो ऐसे प्लांट होते हैं जो वाटर जो है अगर शॉर्टेज पड़ गया उन्हें को बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी जड़ों को और नीचे घुसेड़ दूंगा सॉइल के अंदर 150 फीट 200 फीट तक, और ये नीचे गहराई से वाटर को टैप करके लेके आ जाएंगे, मतलब काफ़ी डीप तक चली जाती है। तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं इन्हें बोलते हैं वाटर टैपर, क्योंकि काफ़ी गहराई तक ये वाटर को टैप कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम फ्रेटोफाइट। फ्रेटोफाइट कई बार टर्म पूछा जा चुका है आईसीआर वालों के लिए, तो दर इम्पोर्टेंट है कि फ्रेटोफाइट क्या होते हैं, तो ये होते हैं वाटर टैपर। दूसरे जो होते हैं ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे पास जो भी वाटर है
तो हम उसके जो खर्चा कर रहे हैं, जो लॉस हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, हम ट्राई करेंगे कि उसके लॉस की जो रेट है वो कम हो। अगर लॉस की रेट कम होगी तो क्या होगा, वाटर जो है, जो पहले 1 लीटर पानी एक दिन चलता था, वो 1 ही लीटर पानी से हम 4 दिन जी लेंगे। तो इस टाइप से अपनी जो वाटर लॉस को है वो उसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये ड्राउट कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाए। जो वाटर से ये 6 मंथ चलाते थे उससे ये 1 ईयर काम चला लेंगे, तब तक रेनफॉल हो जाएगी। तो इन्हें बोलते हैं वाटर सेवर। तो इन्होंने कुछ इस टाइप के मैकेनिज्म अडॉप्ट की होंगी जो वाटर के लॉस को कम करेंगे, उन्हें हम उसके बाद देखेंगे अगली स्लाइड में। फिर तो इन्हें इन्हें हम कई बार लिख देते हैं कि ट्रू जीरो फाइट कौन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीरो फाइट में ये तीनों ही आते हैं, ये तीनों ही जीरो फाइट में आते हैं, जीरो फाइट। ओके, तीसरे हैं, इन्हें बोलते हैं हम वाटर स्टोरर, या इनको एक और टर्म है, इन्हें बोलते हैं सकुलेंट। सकुलेंट का मतलब होता है कि कोई फूल के मोटा हो जाना। यहाँ ये प्लांट क्या होते हैं, इनने बोल दिया ये जीरोफाइट जो है ना, यानी कि वाटर सेवर, इनसे भी बड़े वाले घनिष्ठ लोभी टाइप के लोग थे। इनने क्या किया, अपनी पत्तियों को झाड़ा के पत्तियों को बना दिया कांटे की फॉर्म में आ गए, थॉर्नी थॉर्न फॉर्म में आ गए, और जो स्टेम है उसी में पूरा पूरा वाटर को स्टोर करके रख दिया स्टेम के अंदर। तो इनने वाटर को स्टोर करके रख दिया, बोला हम खर्चा ही नहीं करेंगे, हमने तो गाड़ के रख लिया। तो ये जो थर्ड प्लांट है, इस टाइप से इनकी जो वाटर की स्ट्रेस है वो कंडीशन काफ़ी हद तक ये अपनी मेंटेन कर लेते हैं, वाटर की रिक्वायरमेंट उसे काफ़ी हद तक मेंटेन कर लेते हैं। तो ये थर्ड टाइप है, इन्हें बोलते हैं हम वाटर स्टोरेज या सकुलेंट प्लांट्स। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले अपने आते हैं वाटर टैपर यानी कि फेरेटोफाइट कौन है, आपको पता हो चुका है, काफ़ी लॉन्ग टैप रूट सिस्टम बनाते हैं। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं ये अपने लिए इम्पोर्टेंट, और एग्जांपल्स में कहेंगे सभी के सभी जो राजस्थान के जो ट्रीज हैं वो सभी के सब फेरेटोफाइट या वाटर टैपर की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें अपने अकेशिया अकेशिया की स्पीसीज है, जैसे कि बबूल है, अपना नीम है, और जो अपनी खेजरी और प्रोसोपिस है ना, अकेशिया प्रोसोपिस सिनेरेरिया और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, वो भी इसमें आ जाते हैं, और बेर जो बेर खाते हैं जिजीफस मॉरिशियाना, वो भी इसका पार्ट है, मींस वो भी इसी कैटेगरी में आता है। अब कभी कभी जो प्रोसोपिस है इसको एक टर्म यूज किया जाता है, उसे टर्म यूज किया जाता है मस्केट। तो मस्केट टर्म कभी कभी प्रोसोपिस स्पीसीज के ट्री को ऐसे कंबाइंड फॉर्म में पूरा प्रोसोपिस ग्रुप को एक टाइप से बोल दिया जाता है मस्केट। ये मस्केट है, मॉस्किटो नहीं है, मच्छर नहीं है, मस्केट है। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी थी अपनी वो थी वाटर सेवर की। ये वो प्लांट थे जो अपने बोला है कि हमारे इनकम नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, हम वाटर को लॉस करना है, मतलब खर्चे को कम करेंगे। तो ये वाटर सेवर कैसे करेंगे, तो बोला एक काम करेंगे हम, पहली बात तो जो वाटर लॉस होता है किसी भी प्लांट के, वो होती है उसकी लीव्स है। लीव्स से क्या होता है, मैंने बताया ट्रांसपायरेशन, क्या होता है ट्रांसपायरेशन। जो ट्रांसपायरेशन है उसके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो एवरेज जो वाटर एब्जॉर्ब किया उसका वो 98% लॉस कर देते हैं। तो इनने बोला कि एक काम करते हैं हम, सबसे पहले तो काम ये वाटर लॉस पे ही करते हैं। तो बोला इन्होंने क्या किया जाए, बोला पहले तो हम जो स्टोमेटा है वो दिन में ना खोल के रात में खोलेंगे। तो जो नाइट में स्टोमेटा खुलते हैं उनको हम बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। इस टर्म को याद रख लो, हाईलाइट कर लो, जो करना हो कर लो, आएगा आता ही है। तो ये इसे क्या बोलते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, जो नाइट में खुलते हैं। दूसरा बोला हम स्टोमेटा को पूरा नहीं खुलने देंगे, उसमें भी आधे खुलेंगे। अब फिर बोला अब अभी भी पूर्ति नहीं हो रही, अभी भी बहुत लॉस हो रहा है, नाइट में ही हो रहा है। तो बोला एक काम करो, स्टोमेटा को थोड़ा अंदर कर दो, मतलब लीव है उसके सरफेस के अंदर घुसेड़ दो, अंदर डीप चले जाएंगे, और इनके जो होल जो बनेगा, मीन्स स्टोमेटा अंदर डीप में चला गया, और यहाँ पर जो होगा यहाँ पर वो इस टाइप से रूट हेयर डेवलप कर लेंगे। तो जो ये सॉरी यहाँ पर जो लीफ हेयर्स हैं वो डेवलप कर लेंगे। तो लीफ हेयर क्या करेंगे, यहाँ पर एक गुच्छा सा बना लेंगे। तो जो मॉइस्चर जा भी रही होगी वो हेयर में यहाँ पर फंसी रह जाएगी। इस टाइप से लॉस को थोड़ा कम करने का ट्राई किया। तो इन्हें बोलते हैं, एक तो जो डीप में स्टोमेटा चले गए तो इसको बोलते हैं संकन स्टोमेटा। संकन का मतलब कोई किसी चीज में घुस गई, जैसे कि ये आप नर्सरी में भी पढ़ोगे संकन बेड, तो उसी टाइप का संकन का मतलब कोई कहीं बैठ गया, घुस गया। तो इस टाइप के इनके संकन स्टोमेटा। तो ये संकन स्टोमेटा भी कई बार पूछा जा चुका है, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा पूछे जा चुके हैं कि एक तो इनके स्टोमेटा स्कोटो एक्टिव रात में खुलते हैं और ऊपर से वो धसे होते हैं। इनने बोला अभी भी तब भी हो रहा है, तो बोला एक काम करो, अभी स्टोमेटा तो काम कर लिया लेकिन जो नॉर्मल सरफेस पे इससे तो अभी लॉस हो ही रहा था। तो बोला इस पे क्या करो, एक लेयर लगा दो किसकी, क्यूटिकल की। क्यूटिकल एक टाइप की परत चढ़ा दी वैक्स की।
तो इस टाइप से बोला कि वैक्स की लेयर से वाटर और कहीं से लॉस होने नहीं देंगे, स्टोमेटा को हम रात में खोल रहा है वो भी ऊपर से सन करने, तो हमने काफी हद तक वाटर लॉस को कंट्रोल किया। इसके बाद इन्होंने ऊपर से क्या किया कि वाटर लॉस ज्यादा ना हो तो इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको इन्होंने बहुत ही हाई रखा है जिससे वाटर इजिली मूव ना कर पाए। कभी कभी इसके बाद भी जब ज्यादा डे टाइम में आप टेम्परेचर बढ़ रहा है और स्टोमेटा ये ओपन नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पर टेम्परेचर जो बढ़ गया उसको कैसे ठंडा करें, ये बढ़ने से अपने आप को कैसे रोकें, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन उसका एक बेसिक काम ही ये है कि प्लांट के जो टेम्परेचर उसे ना बढ़ने दें। तो ऐसे केस में ये अपने लीफ को रोलिंग वगैरह की ऐसे मैकेनिज्म भी अडॉप्ट करते हैं। अब मुद्दा आता है कि वाटर सीवर के एग्जाम्पल, तो जो एग्जाम्पल आते हैं उनमें हम बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम कैम्प प्लांट। कैम्प प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके स्टोमेटा ये स्कोटो एक्टिव होते हैं, सनकन स्टोमेटा होते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। तो ये वाटर सीवर के एग्जाम्पल आएंगे कैम्प प्लांट, और कैम्प प्लांट में कौन आएगा अपने ओपनसिया वगैरह भी उसमें आ जाते हैं। थर्ड है वाटर स्टोरर, ठीक है। कैंप प्लांट में कुछ अदर प्लांट है, कैंप प्लांट में कुछ और भी प्लांट्स हैं, ये मेनली ये जो आपने बोल दिया ओपनसिया, ओपनसिया प्रॉपरली उसमें नहीं है। ओपनसिया और कैक्टस जो है ये दोनों जो आते हैं वो प्रॉपरली आते हैं वाटर स्टोरर्स में। ओपनसिया, कैक्टस और अदर भी यूफोलिया बहुत सारे हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, इन्हें हम बोलते हैं एक्चुअल में ट्रू जीरोफाइट। वहां पर जो मैंने बोल रखा था, यहाँ पर ये ट्रू जीरोफाइट टर्म काट देना है, ये इसके लिए प्रॉपर नहीं है। इसे जनरली हम जीरोफाइट टर्म यूज कर लेते हैं किसको, वाटर सीवर को, लेकिन एक्चुअल में ट्रू जीरोफाइट बोला जाएगा, वो हम इसी को बोलेंगे, ठीक है। और ये है सकुलेंट, मींस फूल के मोटे उगाए। अब अगर इसमें वाटर सीवर की बात कर दी तो ये तो हमारा वाटर ड्राउट कंडीशन तो हो गया, कैसे नहीं किया तो वो तीन मैकेनिज्म समझ ली। अब आता अपना मुद्दा फ्लड का। फ्लड का मतलब हद से ज्यादा पानी आ जाना, बाढ़ आ जाना, जिससे पानी वहां पर जगह पर भर जाता है। अब अगर ऐसे पानी भर जाता है तो यहाँ सबसे पहली जो प्रॉब्लम खड़ी होती है वो होती है कि वाटर जो है धीरे धीरे सॉइल में परकुलेट होता है, और सॉइल में जो एयर होती है वो एयर हो जाती है खत्म। अब वहां पर अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वहां पर बनती है एनारोबिक कंडीशन। तो आपको पता है कि जो भी प्लांट्स हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं और प्लांट को जो मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है वो रूट के थ्रू करता है। अब अगर रूट जो है, जैसे ये प्लांट था, रूट जो है रूट एक्टिव रिएक्शन से ये मिनरल्स एब्जॉर्ब करती थी, लेकिन अगर रूट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये रूट की सेल काम नहीं करेंगी, और सेल काम नहीं करेंगी तो जो मिनरल एब्जॉर्ब कर पा रहा था वो करेगी नहीं। तो इस टाइप से यहाँ एरेशन की प्रॉब्लम जो खड़ी होती है उससे सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो मिनरल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो प्लांट होते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं। मतलब उनमें सिम्टम ये नहीं आता है कि वाटर लॉगिंग का, उनमें सिम्टम ऐसा आता है कि यहाँ पर मिनरल की डेफिशिएंसी है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। अब यहाँ पर अपन कुछ ऐसे प्लांट देखेंगे जो ऐसी वाटर लॉगिंग कंडीशन में भी सुटेबल है, खासकर वेटलैंड को अगर हमें एफोरेस्टेशन करना है तो हम वहाँ पर ये तीन पेड़ लगाते हैं। पहला तो यूकेलिप्टस है, दूसरा जामुन है, और तीसरा टर्मिनेलिया अर्जुन है। अब इन तीनों की स्टोरी थोड़ा समझ लेते हैं। यूकेलिप्टस जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव भी था ले आने के पीछे कि जो वेस्टर्न घाट के कुछ एरिया थे जहाँ पर टिम्बर एक्सट्रैक्ट करना था और वहाँ से टिम्बर प्रॉपरली नहीं निकल पाते थे क्योंकि वेटलैंड बहुत थे। तो इन्होंने क्या किया ब्रिटिश ने कि एक काम करो, यहाँ यूकेलिप्टस लगा दो, एक पेड़ वहाँ पर लगभग 500 लीटर तक वाटर को एवेपोरेट कर देता है यूकेलिप्टस का। तो अगर वहाँ पर हमने 10,000 लगा दिए पेड़ तो ये अगले 5-6 साल में पूरे वेटलैंड को खाली कर देंगे, वो हो जाएगी जमीन कैसी ड्राई, ड्राई हो गई तो यहाँ से ये जो टिम्बर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वो इन्हें करना पॉसिबल हो पाया, तो इसलिए ये लगा के आए यूकेलिप्टस। तो आज भी यूकेलिप्टस को हम इस टाइप से ड्राईनेस के लिए भी यूज करते हैं और कॉमर्शियली यूज है पेपर वगैरह में। तो इस टाइप के वाटर लॉगिंग कंडीशन में यूकेलिप्टस आराम से सर्वाइव कर लेता है। दूसरा अगर जामुन की बात की जाए तो जामुन अक्सर नदियों के किनारे उगता है, कहाँ पर, यूपी में आप चले जाओगे तो यूपी में काफी अच्छा मिलेगा। तीसरा है टर्मिनेलिया अर्जुना, ये तो भाई पानी ही चाहिए। आप कभी टर्मिनेलिया अर्जुना को अगर देखोगे तो अपनी जैसे कोई रिवर है तो अक्सर ये रिवर के किनारे पे खड़ा होगी, कुछ इसके जो रूट्स होंगे वो तो रिवर के वाटर के अंदर घुस रखी होंगी। तो टर्मिनेलिया अर्जुना तो बिल्कुल पानी में घुस जाता है तो उसका तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो यहाँ पर ये तीन स्पीसीज है जो वाटर कंडीशन में आसानी से सर्वाइव कर पाती है। तो अगर आपको ऐसा लिखना है कि एफोरेस्टेशन करना है इस टाइप की वाटर लॉगिंग एरिया को या वेटलैंड को, तो हम तीन स्पीसीज में उठा के पटक देते हैं कोई भी।
अब यहाँ पर अपने जो वाटर वाला स्ट्रेस था उसको देख लिया, इसको ड्राउट वाले कंडीशन को और फ्लड के को। अब हम देखेंगे इसके टेम्परेचर की जो एक्सट्रीमनेस है, खासकर लो और हाई। यहाँ पर अगर लो टेम्परेचर की बात की जाए तो लो टेम्परेचर जैसे कि फ्रॉस्ट या स्नो है, जिसे हम क्लाइमेटिक फैक्टर में देख चुके थे, तो डिटेल तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेन मुद्दा है कि कोई प्लांट है वो अपने आप को इस टाइप के लो प्रेशर में कैसे सर्वाइव कर पा रहा है। तो उसके पीछे रीजन होता है कि उसके पास वाटर कंटेंट कैसा है, सेल की साइज कैसी है, सेल की परमेबिलिटी कैसी है, और उसका कोई इस टाइप के मैटर क्या है, उसके साथ कोई चिलेटिंग या प्रोटीन कंटेंट कैसा है। तो ये चार पांच पिलर है जिसके बेस पे एक काम करता है। जैसे कि अगर कोई सेल के अंडर वाटर जाता है, तो आप खुद सोचो कि अगर आपकी एक बड़ी सेल है जिसमें वाटर जाता है, तो फ्रीज अगर होगा, फ्रॉस्ट पड़ गया तो फ्रीजिंग होगी, तो ये जो वाटर है वो काफी ज्यादा फैलेगा। तो ज्यादा फैलेगा तो इस बड़ी सेल के बर्स्ट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वाटर फ्रीज होने के बाद फैलता है, जबकि अगर कोई छोटी सेल है जिसमें कम पानी है तो वो फैलेगा भी कम। तो इस टाइप से वाटर की परसेंटेज से हम बोल सकते हैं। दूसरा मुद्दा होता है कि कुछ टाइप के प्रोटीन्स, तो अगर कोई प्रोटीन्स है तो वो क्या करता है, प्रोटीन के जो वाटर है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट को गिरा देता है। तो जो वाटर पहले 0 डिग्री पर फ्रीज होता था, वो हो रहा है -20 या -40 पे। तो इस टाइप से अगर कोई प्रोटीन है, तो ऑब्वियसली अगर कहीं प्रोटीन जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन उसके उतना ज्यादा नेगेटिव चला गया, तो वो कहीं ना कहीं से फ्रीजिंग होने से रोक लेगा, तो सेल बस्ट नहीं होगी। सेल जो डैमेज होता है वो एक्चुअली वाटर के फ्रीज होने से, सेल को डैमेज होने से ही प्लांट मरते हैं। थर्ड मुद्दा होता है वाटर सेल की परमेबिलिटी। अब देखो एक बड़ी सेल है, अगर उसकी सेल वाल जो है, जैसे कि ये एक सेल है, अगर इसकी ये जो सेल वाल है ये वाटर के लिए इजिली परमीबल है, मतलब वाटर आराम से अंदर और बाहर हो सकता है। तो अगर मान के चलो फ्रॉस्ट पड़ गया, इसमें बहुत सारा पानी था, परमेबिलिटी इसकी 100% थी, तो जैसे ही फ्रीज होना शुरू हुआ वाटर बाहर निकलेगा, ये आराम से निकलने देगा, तो इस टाइप से सेल के अंदर जो प्रेशर है वो बन नहीं पाएगा और वाटर जितना है वो उतना ही रह जाएगा। मीन्स एक्सेस में जो साइज बढ़ रहा था वो वाटर पिघल करके सेल के बाहर निकल जाएगा। अब सेल अगर इम्परमीबल है तो दिक्कत आती है, क्योंकि वाटर बाहर निकल नहीं पाया, अंदर ही अंदर वो साइज बढ़ गया और बस्ट हो गई सेल। और इसके साथ ये सब लिंक से है सेल साइज से। अब जो अपन को फ्रेश फ्रॉस्ट हार्डी और फ्रॉस्ट टेंडर स्पीसीज है, इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन पहले देख चुके हैं ना। अब मुद्दा आता है अपना हाई टेम्परेचर का। हाई टेम्परेचर भी बेसिकली हम वहाँ पर देख चुके हैं कि हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, इसका प्रोटोप्लाज्म कोएगुलेट हो जाता है, और सन स्कॉल्ड और सन बर्न जैसी कंडीशन यहाँ पर अपन को हो जाती है। हाई टेम्परेचर के बाद अब मुद्दा, वहाँ पर इतना तो पढ़ लिया था लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि क्यों ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो डेजर्टिक कंडीशन में है, जैसे ओपनसिया कैक्टस है या अदर प्लांट है जो हाई टेम्परेचर होने के बाद भी, जैसे चुरू है राजस्थान का, जहाँ काफी लो जाता है टेम्परेचर और बहुत एक्स्ट्रा भी चला जाता है, जैसे जैसलमेर वाले रीजन है, तो इतने हाई टेम्परेचर के बाद भी प्लांट अपने आप को कैसे बचा लेते हैं, तो इनके क्या मैकेनिज्म है, उसे अपने लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो मैकेनिज्म ये है कि जैसे कोई हाई टेम्परेचर पड़ता है, मुद्दा यही कि टेम्परेचर का इफेक्ट के लिए रोकने के लिए तो इनके पास बाहर के प्लांट के पास, तो वहां तो जो हार्ड टिश्यू है उस पर तो डैमेज है तो होता नहीं है। मेन मुद्दा होता है इनकी पत्तियों पर, क्योंकि वही सॉफ्ट टिश्यू है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही ये स्ट्रेस कंडीशन आई, उससे पहले अपनी पत्तियां झाड़ के खड़े हो गए। तो एक मुद्दा इनका आता है पत्तियों को झाड़ देना। दूसरा अगर इनका बोला जाए तो इनकी है जो जो इनकी सेल है उसका जो कंपोजिशन है उसके मुद्दे पे आता है। उसमें इनने कुछ टाइप के फैटी एसिड या इस टाइप के कंपोनेंट डाल दिए, इससे क्या होता है कि जो वाटर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है, ये चीजें चेंज हो जाती है। तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन कैसे होंगे कि जैसे प्लांट की साइज है तो किस टाइप के हेयर है। अब मेन मुद्दा एक है, इनके साथ होती है हीट स्टॉक प्रोटीन। कभी कभी इनके जो कंटेंट है, जो सेल है, उसमें एक प्रोटीनर होती है हीट स्टॉक। वो क्या होती है कि जो एंजाइम है, जैसे मैंने पहले बोला कि इनकी कुछ कंपोजिशन में चेंजेबिलिटी आई, उसी टाइप से जो हीट स्टॉक प्रोटीन है या हीट शॉक प्रोटीन है, वो जो टेम्परेचर से जो एंजाइम ब्रेक हो रहा है उन्हें रोक लेती है, उन्हें नहीं होने देती। इस टाइप से भी ये हाई टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव कर लेता है एक्चुअली। तो यहाँ पर अपना जो वाटर स्ट्रेस वाला पार्ट हो गया था, टेम्परेचर का हो गया था, मेन लास्ट पार्ट बचता है वो अपना है सैलिनिटी। अब सैलिनिटी कहाँ पर होगी, सैलिनिटी होगी कोस्टल एरिया में या अपने सांभर लेक के आसपास। तो जो सैलिनिटी में जो उगने वाले प्लांट है या ऐसे प्लांट जो हाई सैलिनिटी में उग पाते, तो देखो सेलाइन को जो टर्म होता है वो यूज किया जाता है हेलाइन या हेलो।
तो हेलो और ये है फाइट मतलब प्लांट। तो जो हाई सैलिनिटी में उगने वाले प्लांट्स हैं उन्हें बोलते हैं हेलो फाइट। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने आते हैं मैंग्रोव्स। यहाँ पर देखना ये है कि जो सैलिनिटी है उसके प्लांट पे दो इफेक्ट पड़ते हैं मेनली। एक होता है ऑस्मोटिक इफेक्ट और दूसरा होता है आयोनिक इफेक्ट। अगर हम ऑस्मोटिक इफेक्ट की बात की जाए तो ऑस्मोटिक क्या करेगा, जैसे कि ये सॉइल है, अगर इस सॉइल में जो साल्ट है, सपोज पहले नॉर्मल कंडीशन में क्या था, यहाँ पर जो वाटर खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉर्मल कंडीशन था, तो वाटर जो इधर का फोर्स है वो है सपोज 10 MB, और प्लांट जिस फोर्स से वाटर को खींच रहा है वो है इसका 20 MB। तो प्लांट का जो फोर्स है वो ज्यादा है, 10 MB ज्यादा है, तो प्लांट आराम से सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। अब सॉइल में आपने डाल दिया साल्ट, साल्ट ने क्या किया, इस वाटर के जो प्रेशर है, जो उसका अट्रैक्शन प्रेशर है उसे बढ़ा दिया। अब सपोज ये बढ़ के हो गया 18 18 MB। अब 18 MB और 10 MB के बीच का, जो 20 MB के बीच का डिफरेंस बचा 2 MB, तो आप प्लांट की जो औकात है वो 2 MB के हिसाब से वाटर ले पाएगा, तो उसको जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो उतना प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। तो इस टाइप से ऑस्मोटिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर आपने कहीं प्लांट के आसपास नमक डाल दिया तो कुछ टाइम बाद प्लांट, एक तो एक्सेस नमक चला गया उसमें, तो वो उसकी जो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन, जो उसकी सेल की जो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन है उसके साथ जो खिलवाड़ करेगा उससे प्लांट जल जाता है। दूसरा प्लांट में डेफिशिएंसी हो जाती है, ड्राउट के सिम्टम्स शो कर देता है, क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अब ये तो ऑस्मोटिक इफेक्ट है, इसके साथ साथ जो इफेक्ट एक और देता है वो आता है इसका आयोनिक इफेक्ट। आयोनिक इफेक्ट क्या है, जब ये जो साल्ट के जो मिनरल्स हैं, जैसे कि सपोज सोडियम ले लो, कॉमन साल्ट ले लो जिसे अपन टेबल साल्ट बोलते हैं, तो जब ये मिनरल्स हैं, जब ये कहीं ज्यादा होते हैं तो ये इफेक्ट देते हैं, मिनरल पॉइजनिंग करते हैं, ये प्लांट के साथ क्या करते हैं उल्टा काम कर देते हैं, उसकी जो सेल की जो मैकेनिज्म है उसके साथ छेड़खानी कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं आयन पॉइजनिंग। तो पहला तो इफेक्ट जो करते हैं वो करते हैं आयन पॉइजनिंग। इसके साथ क्या करते हैं कि जब साल्ट होंगे तो उसका पीएच ज्यादा बढ़ जाएगा सोयल का। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, खासकर फास्फोरस, जो हाई पीएच पे अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहता, मतलब वो हो जाता है अनअवेलेबल फॉर्म में। तो इस टाइप से हाई पीएच पे बहुत सारे मिनरल्स अनअवेलेबल फॉर्म में हो जाते, तो एक दूसरा इफेक्ट हो गया। तीसरा ये है कि प्लांट जो अमीनो एसिड का सिंथेसिस करता है, जो प्रोटीन बनाता है, उसकी भी रिटार्ड ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है। इस टाइप से ये थर्ड जो आयनिक इफेक्ट है वो भी कर देता है। तो यहाँ पर हम सैलिनिटी के दोनों पढ़ चुके हैं, एक है ऑस्मोटिक इफेक्ट, दूसरा है आयनिक इफेक्ट। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि आखिर जो मैंग्रोव्स हैं वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं सैलिनिटी में। तो पहला तो यह है कि जो साल्ट को है वो जैसे ही आपको आपके यहाँ पास आए आप उससे बोल दो यहाँ से फूट लो, उसे रोको और उसे भगा दो। इसे हम बोल सकते हैं एक्सक्लूजन। जब उसकी जो रूट्स है, रूट्स की सेल जैसी वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो वाटर के साथ साथ आता है साल्ट के मिनरल्स। तो ये क्या करता है, वो साल्ट के मिनरल्स को जैसे इसने पकड़ा वो सेल्स उसे वहीं पर रोक देती हैं और उसे बाहर कर देती है। तो इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूजन, मतलब उसे एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, उसे गेट के बाहर कर दिया। दूसरा मुद्दा होता है कि अब बाई चांस कुछ मिनरल्स हैं जो एब्जॉर्ब हो गए, घर के अंदर घुस गए, तो अब क्या किया जाए। तो सेल्स क्या करेगी, उन मिनरल्स को पकड़ पकड़ के, अब उनकी जो अदर पार्ट है, ऐसे पार्ट जिनमें कुछ टाइम बाद उनकी डेथ होकर के गिरने वाली हैं, जैसे कि लिप्स हैं या जो स्टेम के जो हेयर्स हैं, बाल हैं उनमें, तो इसको पकड़ करके वहां पर लेके जाते हैं और वहां पर उन्हें स्टोर करके रख देते हैं। और ये जो दूसरा है सीक्रेशन वाला है, ये क्या है, इसमें वो क्या करेंगे कि ये जो साल्ट थे इनको पकड़ पकड़ के इन ग्लैंड्स के पास लेके जाएंगे और ग्लैंड से उन्हें घर के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये हो गया अपना सीक्रेशन। और थर्ड जो पार्ट था सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कि ये क्या करेंगे, उनको पकड़ के अगर बाहर नहीं फेंक पा रहा है तो घर के कुन्ने में डाल देंगे कबाड़ के रूप में और बोलेंगे यहाँ इकट्ठे होते रहा। और ये कबाड़ कौन सा होगा, जैसे कोई पत्ती है, पत्ती के कोई पार्ट में होगा, तो जैसी पत्ती गिर जाएगी ये पार्ट भी प्लांट से हट जाएगा। तो इस टाइप का थर्ड पार्ट हुआ, उसको स्टोर करके सिक्वेस्ट्रेशन करना और बाद में निकाल देना। अब जब सिक्वेस्ट्रेशन की जब भी कोई बात होती है तो यहाँ पर एक एग्जांपल है एविसिनिया, तो मैंग्रोव्स है। यहाँ पर एट्रीप्लेक्स का एग्जांपल बहुत होता है। एट्रीप्लेक्स क्या करता है, इसके पास दो चीज है, एक तो होती है साल्ट ग्लैंड, दूसरा होते हैं साल्ट हेयर्स। ठीक है, तो साल्ट जैसे कि यहाँ पर जो है ये साल्ट ये तो है ग्लैंड और ये है हेयर, उल्टे है। जहाँ पर जो साल्ट हेयर होते हैं इसमें, उनमें क्या होता है कि जो हेयर थे, मीन्स बाल थे, उनमें साल्ट को स्टोर कर देते हैं अंदर। तो जैसे एक टाइम के बाद बाल गिर गए वो काम हो गया उनका।
और यहाँ पर मैंग्रोव्स में है वो तो साल्ट ग्लैंड्स जो होती हैं वो तो यहाँ पर ये ग्लैंड्स है जो पीछे साल्ट निकाल रही, तो वो निकलते ही ग्लैंड्स के बाहर ही जमा हो गया, तो वो दिखाया जा रहा है। अब इस पर हम कर लेते हैं एक्सरसाइज जो इसके प्रैक्टिकल है और अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म ये वाला हार्डनेस एंड टॉलरेंस। तो पहला तो सीधा क्वेश्चन था कि प्लांट जो साल्टी सॉइल में ग्रो करते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, तो साल्ट वालों को हम क्या बोलेंगे, हेलो। यहाँ गलत ध्यान रखना, देखो थैलोफाइट ये तो बॉटनी के प्लांट है, लिथोफाइट मतलब जो जमीन पर उगने वाले प्लांट है उन्हें लिथोफाइट बोलते हैं, हेलोफाइट हेलो मतलब होता है साल्ट, लोगों को याद नहीं रहा तो उन्होंने इसका आंसर लगा दिया हीलियो। ये हीलियो जो टर्म है वो हीलियो स्फेयर, हीलियो टर्म होता है वो यूज किया जाता है सन के लिए, तो ये हीलियोफाइट मतलब ऐसे प्लांट जो सन की साइड ग्रो करते हैं, तो हीलियोफाइट का सेंस ही अलग है। आपने जो आंसर था वो था अपना हेलोफाइट। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन था हेलोफाइट आर फाउंड, हेलोफाइट कहाँ पाए जाते हैं, तो डेजर्ट में, एक क्वेश्चन कोस्टल रीजन में। अब हेलो मतलब साल्ट, तो यहाँ पर डेजर्ट में होंगे जीरोफाइट, माउंटेन में कुछ और हो सकते हैं, ह्यूमिड रीजन में मीजोफाइट होंगे, तो कोस्टल रीजन में अपने मैंग्रोव्स हैं तो वो हेलोफाइट कहाँ मिलेंगे, कोस्टल रीजन में। तीसरा अपना है प्लांट ग्रो इन साल्ट एंड सेलाइन वाटर, उन्हें क्या बोलेंगे, साल्ट वालों को क्या बोलेंगे हम, हेलोफाइट। यहाँ पर अपना ये वाला पार्ट जो है वो खत्म हो गया। अब अपना बचा था हार्डनिंग ऑफ, जो लास्ट में जो टर्म बचा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है कि जो हम नर्सरी में जो प्लांटेशन उगाते हैं, अगर हमने वहां से नर्सरी से उखाड़ के सीधे की सीधा ग्राउंड में लगा दिया, डायरेक्ट फील्ड में जाके प्लांटेशन कर दी, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे हमने जैसे इसे ऐसे बिल्कुल समझ लो जैसे किसी को एसी से निकाल के एकदम राजस्थान के डेजर्ट में फेंक दिया। तो उसे क्या करते हैं, पहले नर्सरी में जो उसे बिल्कुल कंडीशन दी, बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन थी, धीरे धीरे वहाँ वाटर स्ट्रेस देते, मतलब पहले जो डेली शाम को और सुबह शाम इरिगेशन दे रहे थे, सिंचाई दे रहे थे, पानी दे रहे थे, उसे फिर क्या करेंगे, सुबह सुबह शाम शाम देंगे, 5-6 दिन चलेगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे उसे एक दिन में, एक दिन छोड़ के एक दिन देने लगेंगे। इस टाइप से उसे 1-1.5 महीने तक ऐसा कर देते हैं कि उसे 4-4, 5-5 दिन बाद पानी देना शुरू कर देंगे। तो इस टाइप से 5 दिन बाद या 6 दिन बाद हमने जब मेंटेन कर दिया, तो इस टाइप से हमने उसे वाटर स्ट्रेस दिया और अब उसने धीरे धीरे करके अपने को ये वाटर जो स्ट्रेस है उसमें अपने आप को अडाप्ट करना शुरू कर दिया। जब वाटर में अडाप्ट कर लेता है तो फिर हम उसे क्या कर देते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस का जो चैम्बर था उससे निकाल के उसकी नॉर्मल सेमी टाइप की कंडीशन का ग्रीन हाउस होता है उसमें रख देते हैं, जिसमें इतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है, फिर उसमें कुछ 8-10 दिन रखते हैं। इसके बाद फिर हम उसे नर्सरी के बाहर रख देते हैं और नर्सरी के बाहर रखने तक के प्रोसेस में अंदर से बाहर तक के में लगभग 1-1.5 महीना खा लेता है। तो इसे बोलते हैं हम हार्डनिंग ऑफ, मतलब हम उसे क्या कर रहा है, हार्डी कर रहा है, कठोर कर रहे हैं कि वो एडवर्स जो है ग्राउंड पे जब पहुंचेगा वहां की जो एडवर्स है उनको झेल ले। तो यहाँ ये यह रहा अपना हार्डनिंग ऑफ, यहाँ पर अपना ये टॉपिक था वो खत्म हो गया है। इससे रिलेटेड जो है संडे को टेस्ट ही है, तो आप दे सकते हो, कोई डिस्कशन, कोई भी इशू बचा हो, कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप उसे पूछ सकते हैं।